नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपने एचपी की सीरीज का लास्ट यानी 40वां लेक्चर करेंगे। इसमें आपके हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा जिससे मैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ मंडी इन 1527। 1527 में मंडी शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अजबर सेन। तो अजबर सेन ने की थी मंडी शहर की स्थापना 1527 में। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच किंग ऑफ मंडी वॉज हेल्ड कैप्टिव इन नदौन बाय किंग संसारचंद ऑफ कांगड़ा फॉर 12 ईयर्स। मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसारचंद ने 12 वर्षों तक नदौन में बंदी बनाकर रखा था? तो ये थे ईश्वरी सेन। तो ईश्वरी सेन को, जो कांगड़ा के राजा थे संसारचंद, उन्होंने नदौन में 12 साल तक बंदी बनाकर रखा था। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ईश्वरी सेन। मैंने पिछली दो क्लासेज में आपको टोटल 120 क्वेश्चंस करा दिए जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 60 क्वेश्चन और देख रहे हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ सुंदरनगर? तो सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? बनेड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 है, डॉक्टर वाईएस परमार फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन डिड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर? तो जो डॉक्टर वाईएस परमार थे हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, वो पहली बार चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कब बने थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 24 मार्च 1952 को। तो जो डॉक्टर वाईएस परमार थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे 24 मार्च 1952 को। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1971? यानी हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे 1971 में? तो जो हिमाचल प्रदेश था उसे 1971 में स्टेटहुड मिली थी यानी राज्य का दर्जा मिला था, और उसने हिमाचल प्रदेश के जो पहले गवर्नर बने थे वो थे एस चक्रवर्ती, यानी ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस चक्रवर्ती। हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जयवंत राम, यानी ऑप्शन सी। व्हेन वाज द हिमाचल स्टेट लॉ पास्ड इन पार्लियामेंट? तो इंडियन पार्लियामेंट में जो हिमाचल राज्य कानून था वो कब पारित हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 18 दिसंबर 1970, यानी ऑप्शन सी। तो इंडियन पार्लियामेंट में 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल स्टेट एक्ट था वो पास हुआ था, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन 8 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट कम्स इन ओल्ड हिमाचल? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 48। तो ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल से आप क्या समझते हैं? जो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल अस्तित्व में आया तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। बाद में जो 1966 में हिमाचल प्रदेश में पंजाब का कुछ क्षेत्र था वो मिला दिया गया था, तो जो पहले का क्षेत्र था उसे हम ओल्ड हिमाचल कहते हैं, और 1966 में जो नया एरिया आ गया था पंजाब से, मतलब मिला दिया गया था, उसे हम न्यू हिमाचल कहते हैं। तो ओल्ड हिमाचल में 48% आता है और न्यू में 52%। क्वेश्चन 9 है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देयर इन हिमाचल प्रदेश टिल 1966? तो जो हिमाचल अस्तित्व में आया उस समय यानी 15 अप्रैल 1948 को 4 डिस्ट्रिक्ट थी। जो पांचवी डिस्ट्रिक्ट थी बिलासपुर 1954 में मिली, छठी थी किन्नौर वो 1960 में मिली, और बाद में 1966 में 4 डिस्ट्रिक्ट और मिलाएगी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला। तो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट थी। तो 1966 में हिमाचल प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 10। क्वेश्चन 10 है, हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रीजनल काउंसिल यानी टेरिटोरियल काउंसिल? तो जो हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद थी उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ठाकुर करम सिंह। क्वेश्चन 11 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मेड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन 1953? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है फैजल अली। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसी की रिकमेंडेशन के कारण 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। क्वेश्चन 12 है, ऑन 15 अप्रैल 1948 एच पी हु वॉज द मेड
हु वॉज मेड द फर्स्ट चीफ कमिश्नर, तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर किसे बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है एन सी मेहता। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गया, ऑप्शन बी इसका राइट है, जो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे एन सी मेहता। नालागढ़ वॉज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिफोर 1966, तो जो नालागढ़ था वो 1966 से पहले किस जिले का भाग था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंबाला, तो पंजाब के अंबाला का पार्ट था नालागढ़, फिर 1966 में इसे हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। क्वेश्चन 14 है, व्हेन वाज कुल्लू सेपरेटेड फ्रॉम कांगड़ा एंड मेड अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1962, तो जो कुल्लू था उसे कांगड़ा से अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है पंजाब की, बाद में 1966 में कुल्लू कांगड़ा लाहौल स्पीति शिमला ये सब हिमाचल में वापस मिला दिए जाते हैं। क्वेश्चन 15 है, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश मेड अ यूनियन टेरिटरी, तो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन 16 है, विच पंजाबी हिल स्टेट वॉज नॉट मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948, तो कौन सी पंजाबी हिल स्टेट है यानी पहाड़ी रियासत है जिसे हिमाचल में 1948 को नहीं मिलाया गया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है नालागढ़, इसे 1966 में मिलाया गया था। क्वेश्चन 17 है, हिमाचल प्रदेश बिकेम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन विच ईयर, तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष मुख्य आयुक्त प्रांत बना, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 1948, तो 1948 को हिमाचल मुख्य आयुक्त प्रांत बना और इसके जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे एन सी मेहता। क्वेश्चन 18 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट ऑन द सिचुएशन इन हिमाचल प्रदेश, तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी रिपोर्ट का हिमाचल प्रदेश में क्या जो था प्रभाव पड़ा था, तो इसका मैंने आपको पहले बताया था कि उसे हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी यानी वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्वेश्चन 19 है, इन विच ईयर डिड द हिल्स एरियाज ऑफ पंजाब मर्ज विद हिमाचल प्रदेश, तो पंजाब की जो पहाड़ियाँ थी उसे हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया, तो 1966 में मिलाया गया, तो पंजाब की जो पहाड़ी क्षेत्र थे उन्हें 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया, तो कौन कौन से जिले थे, वो शिमला था, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, तो इन जो जिले थे इन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। क्वेश्चन 20 है, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बैग वॉज द फर्स्ट, तो जो मिर्ज़ा हमीदुल्ला बैग थे वो क्या थे, वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, तो हिमाचल के हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। क्वेश्चन 21 है, फॉर्म्ड इन 1986 हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो 1986 में गठित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है जज हीरा सिंह ठाकुर यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हिमाचल प्रदेश जो लोक सेवा आयोग था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। क्वेश्चन 23 है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को कब गठित किया गया था, ये किया गया था 1971 यानी ऑप्शन बी में। क्वेश्चन 24 है, विच टाइप ऑफ मैरिज सेरेमनी इज दमचलशीश और वेनानगाश प्रैक्टिस इन किन्नौर, तो ये एक लव मैरिज का टाइप है जो दमचलशीश है और ये किन्नौर में होता है। क्वेश्चन 25 है, विच टेम्पल हैज अ करदार ठाकुर एंड अ प्रीस्ट लामा, तो वो कौन सा मंदिर है जिसमें एक करदार होता है वो ठाकुर होता है और जो प्रीस्ट होता है वो एक लामा होता है, तो ये होता है त्रिलोकीनाथ टेम्पल में, ये लाहौल एंड स्पीति में है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। 26 है, हु बिल्ड द लक्ष्मी नारायण टेम्पल लोकेटेड इन चंबा, तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है उसे किसने बनाया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है साहिल वर्मन यानी ऑप्शन सी, तो साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनाया था जो कि चंबा में है। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द एंशियंट रॉक, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, रॉक कट टेम्पल होगा, तो इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द एंशियंट रॉक कट टेम्पल लोकेटेड, तो ये कांगड़ा के मसरूर में यानी ऑप्शन ए में। वेयर इज द फेमस सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये नीरथ में है, शिमला के नीरथ में। क्वेश्चन 29 है, व्हाट आर द गुजर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो गुज्जर है हिमाचल प्रदेश के वो क्या है, तो वो एक घुमंतु जनजाति है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30 है, इन विच रीजन इज द पंगवाल ट्राइब फाउंड इन हिमाचल प्रदेश,
तो जो पांगवाल ट्राइब है वो कहाँ मिलती है, वो पांगी में मिलती है, चंबा के पांगी में। क्वेश्चन 31 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ झंझरा एंड झानरा तांग। तो ये मैरिज सेरेमनी यानी मैरिज के प्रकार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32 है, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द विधानसभा ऑफ एचपी इन 1951। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 36। तो जो पहली विधानसभा थी उसमें हिमाचल प्रदेश के टोटल 36 मेंबर्स थे। क्वेश्चन 33 है, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसके प्रथम सचिव कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनसी नंदी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34 है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन एचपी। तो एससी जो है उनके लिए जो हमारी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं उनमें कितनी सीट रिजर्वड है, तो वो है 17। तो 68 में से जो 17 सीट्स है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वड है। क्वेश्चन 35 है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इन हिमाचल प्रदेश। तो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से कितने बंदे इलेक्ट होते हैं यानी कितने सदस्य इलेक्ट होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 3। लोकसभा में 4 होते हैं और राज्यसभा में 3, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 4, टोटल 7 बंदे हिमाचल प्रदेश से पार्लियामेंट में जाते हैं। क्वेश्चन 36 है, हु फ्रॉम हिमाचल प्रदेश रिसीव द फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जमादार लाला राम यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 है, हु हैज़ रिसीव्ड द रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार ऑफ झांसी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो ये जो अवार्ड है ये किसे मिला था, तो ये मिला था किंकरी देवी को, और किस लिए मिला था, इन्हें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मिला था ये अवार्ड। तो ये सिरमौर की रहने वाली है किंकरी देवी, इन्हें मिला था रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार ऑफ झांसी। क्वेश्चन 38 है, वेर इज द पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। तो ये ड्रो में है, जो पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है ये ड्रो में है कांगड़ा के। क्वेश्चन 39 है, हाउ मेनी हिमाचली हैव रिसीव्ड परमवीर चक्र। तो टोटल 4 हिमाचली जिन्हें परमवीर चक्र मिल चुका है, और जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे हिमाचल के वो पहले थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। क्वेश्चन 40 है, इन विच स्क्रिप्ट वॉज द पहाड़ी लैंग्वेज रिटन। तो पहाड़ी लैंग्वेज को कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टांकरी। क्वेश्चन 41 है, झंझार इज द फेमस डांस ऑफ। तो झंझार किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस है, तो ये आपका राइट आंसर है सी। तो चंबा का फेमस डांस है झंझार, झंझर। क्वेश्चन 42 है, बूढ़ा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो बूढ़ा है फेमस फोक डांस किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिरमौर, ऑप्शन बी। 43 है, कयांग बकयांग एंड बान चारगाचू आर डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये डांस है कयांग बकयांग बन चारगाचू, तो ये है किन्नौर के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 44 है, हु बिल्ड द फेमस गौरीशंकर टेम्पल एट सुजानपुर टेरा। तो जो सुजानपुर टेरा में एक गौरीशंकर टेम्पल है फेमस, उसे किसने बनाया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसार चंद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 45 है, द फेमस टेम्पल ऑफ मृकुला देवी इन उदयपुर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो जो मृकुला देवी का टेम्पल है उदयपुर में, लाहौल स्पीति के उदयपुर में, वो किस चीज़ से बना है, तो वो बना है ऑप्शन डी वुड से। क्वेश्चन 46 है, कांगड़ा कलम वॉज द मोस्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग विच किंग। तो जो कांगड़ा कलम थी वो सबसे अधिक विकास उसका किस राजा के काल में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संसार चंद। क्वेश्चन 47 है, हुज क्रिएशंस आर कांगड़ा ब्राइड एंड गद्दन। तो कांगड़ा ब्राइड और गद्दन किसकी क्रिएशन है, तो वो है सरदार शोभा सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरदार शोभा सिंह। क्वेश्चन 48 है, वेर इज द बाला सुंदरी टेम्पल ऑफ सिरमौर। तो सिरमौर का जो बाला सुंदरी टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी त्रिलोकपुर में है, सिरमौर के त्रिलोकपुर में। क्वेश्चन 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट इन पगोड़ा स्टाइल। तो इनमें से कौन सा टेम्पल है जो पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है, तो वो है हिडिंबा टेम्पल। तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है पगोड़ा स्टाइल, तो हिडिंबा टेम्पल है जो पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है। क्वेश्चन 50 है, वेर इज द की मोनेस्ट्री।
तो जो की मोनेस्ट्री है वो कहाँ पर है, वो है स्पीति में, लॉलैंड स्पीति के स्पीति में। क्वेश्चन 51 है, नेम द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 1993। तो 1993 में हिमाचल प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन थी, तो वो थी डिक्की डोलमा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 52 है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है शिमला में, उसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, डॉक्टर आर के सिंह। क्वेश्चन 53 है, वेयर इज द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। तो जो सर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो है सोलन में, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये सोलन में है। वेयर इज द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है, ये पालमपुर में है। एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट सिख यूनिवर्सिटी इज बींग इस्टेब्लिश। तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली सिख विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है बड़ू साहिब में, सिरमौर के बड़ू साहिब में। 56 है क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं भज्जू राम, यानी ऑप्शन ए। अगर पूछ लेते कि पहाड़ी गांधी नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा बाबा कांसीराम, और फ्रंटियर गांधी बोला तो भज्जू राम। क्वेश्चन 57 है, विच इज कॉल्ड द मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की मशरूम शहर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सोलन को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 58 है, विच प्लेस इज नोन एज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो अजंता है वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं ताबू, जो ताबू मिनिस्ट्री है उसे, ऑप्शन ए। वेयर इज द रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो है जोगिंदर नगर मंडी, जोगिंदर नगर जो कि मंडी में, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सरदार अजीत सिंह मेमोरियल लोकेटेड। तो जो सरदार अजीत सिंह स्मारक है वो कहाँ पर है, वो है पंचपुला चंबा में। तो ये कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ रखे हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।